close your eyes. Hi guys, welcome back to yet another new video. This is Shefali and कैसे हैं आप सब? Hope so सभी अच्छे होंगे guys. आज मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. So guys, आज मैं जा रही हूँ अपनी birthday की shopping करने. मेरा birthday आने वाला है March में. So मैं जा रही हूँ नोएडा shopping करने के लिए. मुझे नहीं पता मैं कहाँ से और क्या खरीदने वाली हूँ, but मतलब थोड़ा सा ये है मुझे कि मैं शायद ज़ारा का कलेक्शन चेक करूँगी. मतलब ज़ारा का मैंने ऑनलाइन कलेक्शन चेक करा, मुझे पसंद नहीं आया, सो मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं क्योंकि ज़ारा के मॉडल्स और हम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. तो मैंने सोचा जाके देखते हैं. सो आज मैं जा रही हूँ ज़ारा और अभी बज रहे हैं दिन के शायद 12-1 बज रहे हैं. सो चलते हैं, आपको दिखाती हूँ कहाँ जाती हूँ, कैसे शॉपिंग करती हूँ और क्या क्या होने वाला है व्लॉग में. आई डोंट इवन नो. गाइस, सो मैं घर आ चुकी हूँ और बड़ी ठंड लग रही है मुझे, शायद मेरे को फीवर हो गया ऐसा लग रहा है. मैं बहुत थक गई यार मॉल में घूम के और मैं घर आके शूट कर रही हूँ. और मेरे को अभी कॉल आया मेरे दोस्तों का, वो मुझसे मिलने मार्केट में आ रहे हैं. उससे पहले मैं ज़रा अपनी घर के पास बुआ रहती है, उनके यहाँ होके आती हूँ. वो न्यूज़ीलैंड से दो दिन हो गए उन्हें न्यूज़ीलैंड से आए हुए, बट मैं मिल नहीं पा रही थी. अब मैं उनसे मिलने जा रही हूँ एंड चलो बुआ से मिलती हूँ, देन मैं काजल नंसी के पास जाती हूँ क्योंकि वो लोग मार्केट में आ रहे हैं मेरे घर के पास ही. सो गाइस चलिए चलते हैं. और मुझे बर्थडे ड्रेस नहीं मिली, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ. मतलब मैंने कितना एक्सप्लोर कर लिया, वरना मैं कपड़े यार मिनटों में लेती हूँ, बट बर्थडे के लिए ना मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. पता नहीं क्यों मेरे माइंड में बर्थडे इतना स्पेशल है, क्या करें. सो गाइस चलिए चलते हैं, मेरे गले में बहुत दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है. सो लाइट्स करते हैं ऑफ, लेट्स गो. हाय गाइस, सो मैंने बीच में एक ब्रेक लिया है एंड मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम स्किन केयर रूटीन तो फॉलो करते हैं बट हमेशा हम अपने फेस पे ध्यान देते हैं. इट मींस बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाना, फेस वॉश करना, टोनर, मास्क सब कुछ यूज़ करते हैं, बट हम कभी अपने लिप्स के बारे में नहीं सोच रहे. मेरे लिप्स इतने डल एंड ड्राई हो गए हैं. एक तो सीज़न अजीब है, बहुत ज़्यादा ठंडा गरम मेरे लिप्स फटने लगे हैं अभी से ही, पता नहीं क्या हो गया है. सो मैंने ये न्यू प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, ये वाओ के हैं, वाओ स्किन साइंस के. एंड ये प्रोडक्ट मैंने क्यों यूज़ करना स्टार्ट करा है, बिकॉज ये ना 100% प्योर रोज ऑयल के हैं एंड नॉन ग्रेसी प्रोडक्ट्स हैं. सो मैंने ये सोचा कि मैं ये मंगाती हूँ. सो और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मतलब अगर आप इसे एक बार यूज़ करेंगे उतने में आपको रिजल्ट दिख जाएगा. कुछ ऐसी इसकी पैकेजिंग है जो बहुत ही क्यूट लुक दे रही है. एंड गाइज ये हमें हेल्प करता है हमारे क्रैक्ड लिप को रिपेयर करने में, स्मूथ बनाने में एंड हमारे लिप ब्राइट करने में. अभी आप मेरे लिप्स देख लीजिए एंड देन इसको यूज़ करने के बाद. एंड जो सेकेंड है ये हमारी लिप बाम है, मतलब पहले तो ये क्रैक को रिपेयर कर देगा एंड देन एक सॉफ्ट एंड मतलब सॉफ्ट एंड स्मूथ लुक के लिए आप ये लिप बाम यूज़ करें. एंड ये बहुत ही नेचुरल लिप बाम है जो डीप हाइड्रेशन करता है विथ कोकम बटर. एंड जो ये है स्क्रब, ये है कोकोनट शुगर. तो मैं इसका एप्लीकेशन बताती हूँ. सो सबसे पहले इसके साथ ना एक एप्लीकेटर आया है, ऐसे वुड का एप्लीकेटर है, इस पर वाओ की ब्रांडिंग हो रखी है. ये ना देखो मैंने इतना यूज़ भी कर लिया, जस्ट आपको ऐसे करके इससे लेना है इतना सा एंड लिप्स पे अप्लाई करना है एंड देन आपको फिंगर से सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना है. एंड देन आपको क्या करना है, आप वॉश भी कर सकते हो बट मैं टॉवल से प्रेफर कर रही हूँ क्लीन करना. एंड देखिए गाइस इतना लाइट फील हो रहा है. और अगर आपने कभी लिपस्टिक लगाई और आप सोच रहे हैं कि लिपस्टिक कभी कभार क्या कैसी कैसी लिपस्टिक्स होती है जो कि हम ईजिली रिमूव भी नहीं होती, बट आप ये स्क्रब करेंगे ना तो वो ईजिली रिमूव हो जाएगी. एंड मुझे अपने लिप्स पे ऐसा लग रहा है बहुत सारी डस्ट बैठी थी और वो क्लीन हो गई, इतने सॉफ्ट लग रहे हैं मुझे मेरे लिप्स. एंड हम अप्लाई करेंगे अब इसका लिप बाम. सो गाइस सेम लिप बाम के साथ भी हमें एप्लीकेटर मिलता है एंड चलो यूज़ करते हैं इसको. ये रहा लिप बाम एंड सेम इसको भी ऐसे ही हमें लेना है. ओ ये थोड़ा ज़्यादा आ गया.
वाओ गाइस, आप देख सकते हैं फर्क। मतलब आपको दिख रहा नहीं दिख रहा कैमरे में, मुझे नहीं पता, बट आई कैन फील कि कितना फर्क आया है। एंड गाइस वाओ, बी वाओ नेचुरली। सो नेचुरल प्रोडक्ट के साथ आप अपने लिप की भी केयर करें। सो ये प्रोडक्ट मुझे बेहद पसंद आया। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज करो। मेरी एकदम हाईली रिकमेंडेशन है कि आप इसे ले सकते हो। बिल्कुल टेस्टेड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है प्रोडक्ट, और क्रूल्टी फ्री है, 100% वीगन गाइस है। इसमें नो मिनरल ऑयल, नो सिलिकॉन्स, नो बीज वैक्स, सो बिल्कुल नेचुरल है ये प्रोडक्ट। सो आपके लिप को कोई हार्म भी नहीं पहुंचेगा एंड आप सुंदर सुंदर लिप्स हो जाएंगे आपके नेचुरली। सो गाइस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अरे यार, सो कहीं रात को घूम रही है? हाँ देखो गाइस 9 बज रहे हैं, दोनों यहाँ घूम रही है। ये काम से आया? क्या काम था ये? रुको इसका, ये तो मम्मी के लिए लेना था। ओहो, तुम्हारे नेल्स दिखाना। इस मेरी, पहली बार मेरे नेल अच्छे लग रहे हैं मुझे। ये लेना था, ये आंटी का चश्मा। टोर्नाडो कहती मैंने खा रही थी, तेरी जनता तेरी हाँ। जनता तो टोकती की ये है मेरी जनता। गाइस मैं नहीं खा रही हूँ, मैं थोड़ा सा टेस्ट करूंगी लेकिन रिव्यू देने के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं, एक इतना सा पीस खाऊंगी। लिसन अप, तो ये कहती है तेरा पर्सपेक्टिव खराब हो गया। अब नहीं खींच पाती फोटो, चल मेरी मत बना। देखो दूर जा रही जानबूझ के ताकि और एंगल अच्छा आ जाए। खड़ी खड़ी आगे लेके मत बना, तो जाने दूर। अरे नहीं खिंचवानी, मेरी बेइज्जती हो गई है, वैसे भी मैं नहीं बनवा रही। तुम लोग मेरी बेइज्जती कर दो ना। हम लोग चप्पल उप्पल में आए, देख कोई के क्या बोले। मैं भी तो चप्पल में आई हूं, कट कट हो जाएगा। अब यार पैसे का रुको, जेब नहीं है इसमें। मैंने कितने ऑर्डर रखे हैं दोनों चीजें। गाइस हमने ये खाया है, क्या था ये? स्पाइरल पोटैटो, इसे टोर्नेडो भी कहते हैं, और ये काफी अच्छा था। हमने खाया पेरी पेरी, बट पेरी पेरी में मिर्च होनी चाहिए, यहाँ तो पैपरिका में मिर्च है। इधर आओ भाई, हाथ नहीं सुनने दे रहा ये तो। तो गाइज यहाँ विस्की मेरे योगा को खेल समझ रहा था और मुझे योगा ही करने नहीं दे रहा था। ये हमेशा ऐसे करता है, जब भी मम्मी और मैं योगा स्टार्ट करते हैं ये ऐसे परेशान करता है। योगा हम काफी साल बाद स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब करी है। तो ये मुझे योगा नहीं करने दे रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। बार बार ऐसे मैं यहाँ पर योगा कर रही हूँ, वो चक्की वाला योगा होता है और उसमें बीच में आ जा रहा है, निकल गया बेवकूफ सा मेरा योगा डिस्टर्ब करके। अपना योगा चल रहा है, चलो विस्की चले आ जाओ। सो मैं आ गई हूँ अपने रूम में ब्रेकफास्ट लेके। सो आज है ब्रेकफास्ट में ये एग भुर्जी, रोटी एंड चाय। चाय वैसे मैं यूजुअली काफ़ी टाइम से पी नहीं रही हूँ, मैं मतलब विंटर्स में पीती थी, बट आज मेरा बहुत मन कर रहा है, मेरा गला ठीक नहीं है, मुझे ऐसे कोल्ड जैसा हो रहा है, और एग तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ब्रेकफास्ट में एग भुर्जी खा रही हूँ। एंड वरना मैं ऑमलेट खाती हूँ। और आज मम्मी ने ना गाँव से, मतलब उत्तराखंड से हमारे यहाँ देसी घी आया है, और उस मतलब मुझे ना बहुत अच्छा लगता है घी, बट आज पता नहीं क्यों महक आ रही है मुझे घी से बहुत ज़्यादा, और सब ज़्यादा होता है जब मुझे नज़र लग जाती है। अब आप पता नहीं कुछ लोग नज़र को मानते होंगे नहीं मानते होंगे, बट मुझे लग जाती है ऐसे, और तो मुझे घी की महक आती है, मतलब अच्छा नहीं लगता घी। सो अभी वही हो रहा है, और मैं ब्रश कर लिया है, मैंने बस नहाया ही नहीं है, बिना नहाए ब्रेकफास्ट कर रही हूँ मैं तो कर लेती हूँ, मतलब आप लोग नहीं करते होंगे, मैं कर लेती हूँ बिना नहाए ब्रेकफास्ट। तो जल्दी से मैं अपना ब्रेकफास्ट खाती हूँ, देन मैं अपनी वीडियो की तैयारी करूँगी, फिर नहाऊँगी, देन वीडियो शूट करूँगी। आज मैंने सोचा कुछ मैं वीडियो शूट करूँगी, और गुंजन से फ़ोन करके पूछती हूँ, अगर गुंजन फ्री होगी तो हम रील बनाने जाएंगे। चलो मैं ये खाती हूँ, आपसे मिलती हूँ फिर। सो गाइस मैंने बहुत देर से व्लॉग शूट नहीं करा, मैं खुद भूल गई, मैं उस टाइम ब्रेकफास्ट कर रही थी ना, मैं तब शूट कर रही थी, उसके बाद मैं थोड़ी देर सोई, एंड देन मैं उठ के बाहर डॉग्स को खाने खिलाने गई। अब मैंने गुंजन को कॉल करा है,
कुंजन आज घर पे है और वो लेट उठी है, सो आज मेरा रील बनाने का प्लान है। तो कुंजन आने वाली होगी, पता नहीं, कॉल करके पूछती हूँ। उससे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ रील बनाने के लिए। और गाइज मैं आपको बताऊँ कि साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ, एक सेकेंड, ये है साड़ी एंड ये मेरी नानी की साड़ी है। मुझे ना पुरानी साड़ीज़ बहुत पसंद है, नानी दादी की साड़ीज़ पहनना। सो ये इतनी पुरानी साड़ी है और मैं रिक्रिएट करूँगी लुक इससे, मतलब अपने किसी टॉप के साथ पहन के। सो आपको अगर मेरा लुक देखना है तो इस वीडियो में बने रहिए और मैं भी आती हूँ रेडी वेडी होके। तब तक आप इस व्लॉग को लाइक कर देना प्लीज़ गाइस। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आपको मेरे व्लॉग्स देखना पसंद आ रहा है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ यार, डेली एक्सप्लोर करती हूँ, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नीड योर सपोर्ट गाइस। एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, एक एक व्यूज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अभी मिलती हूँ। सो गाइस मैंने साड़ी वेयर कर ली है और मैंने अपने ब्लैक टॉप के साथ वेयर करी है और इसके साथ मैं पिंक लिपस्टिक लगा रही हूँ। गुंजन आ चुकी है। अच्छी लग रही है। सो गाइस ये रहा मेरा आउटफिट। तो ऐसी कुछ लग रही हूँ मैं अपनी नानी की साड़ी में। पास लिया ना, वॉइस कैसे आएगी। ये मेरी नानी की साड़ी है जो मुझे नानी ने दी है और आज वो देख के ना बहुत खुश हो जाएंगी कि मैंने उनकी साड़ी पहनी है। और मुझे बहुत शौक है दादी नानी की साड़ी पहनने का। और गाइस मैंने इतनी सारी रील्स बनाई ना, इतनी सारी, ये गुंजन आती नहीं है, नहीं तो मेरी रील्स बहुत सारी बन जाए। कॉलेज जाना बंद कर देती हूँ मैं, एक काम करती हूँ, संडे सैटरडे तो छुट्टी होती है ना, उसमें मैं आराम करती हूँ ना। गाइस ये कुछ नहीं कर रही है मेरे लिए। अब गाइज मैं खुद बिजी रहती हूँ और जब तक आप ये व्लॉग देखोगे तब तक मेरे 50K फॉलोवर्स हो गए होंगे इंस्टाग्राम में। सो जिसने अभी तक मुझे फॉलो नहीं करा है वो जाके इंस्टाग्राम में फॉलो करो। ये रहा मेरा IG ID जो भी है, इंस्टाग्राम ID, और ये रहा मेरा लुक। और मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट करके कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। मैंने इसके साथ अपना ब्लैक टॉप पेयर करा है, स्लीवलेस। इसके साथ आप कोई भी डार्क कलर का टॉप यूज़ कर सकते हो, गोल्डन, सिल्वर, सिल्वर ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये मैंने ज्वेलरी में ये पहना है, हुप्स, जो पर्ल वाले हुप्स है। एंड मुझे मैचिंग की रिंग दिख गई थी तो मैंने रिंग भी पहन ली। अभी नेल्स नहीं है तो आदमियों वाले हाथ लग रहे हैं मेरे। एंड हील्स तो मैंने मेरी सदाबहार यही है, नियॉन कलर की हील्स। ये मैचिंग की नहीं है तो इग्नोर करना इसको। और आज मैंने कुछ दिन से बाल कटवाए हैं। ट्रिमिंग कर दिया बस मैंने। हाँ तो वही यार, उसके लिए भी मेरे को बाहर पार्लर जाके बाल कटवाने का कोई शौक नहीं है। मुझे बाल अपने स्ट्रेट ही अच्छे लगते हैं, नीचे से कैची से काट दो। सो अब हम नीचे जा रहे हैं, मैं आउटफिट चेंज करती हूँ। बहुत सारी रील बन गई है, मैं और ज़्यादा इसलिए नहीं बना रही क्योंकि फिर बहुत कन्फ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सी वीडियो डालनी है। और हमारे यहाँ खेत का देखो क्या हाल हो गया। खेत में ना पहले यहाँ हरियाली थी तो हम लोग यहाँ रील बनाने जाते थे, लेकिन अब ये कट गए हैं खेत। मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी खेती शुरू हो जाए इस पर। बाय गाइस, बाय। लाइट बंद कर देती हूं। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ करो गाइस। ये रहा BTS, देखो आप लोगों के सामने इतने अच्छे बनते हो ना। मैं उसके बाद सब कुछ बांध बुन के हाथ में आ गए रील्स। अभी बाल बन जाएंगे और उसको जूल जूल उतार उतार के ब्लू करके लेट जाऊंगी। चलो गाइस देखो, जाने से पहले इतना सारा सामान बिखेर के गई हैं ये मैडम। देखो इनको अपने सामान की वो नहीं है, क्या कदर बहुत है, दिख रहा है ना गाइस। देखो कहाँ कहाँ उलझे पुलझे पड़े हैं सारे सामान। तो बहुत सारा सामान है मेरे पास। अब इसकी मत कर यार। आ मेरी बच्ची आ, देखो हमारे सब्सक्राइबर इसको डांटेंगे। आ जा आ मिली कुच्चू ले, फिर मिली बुच्चू, मिली कुच्चू, मिली पुच्चू, मिली पुच्चू। सो गाइस गुंजन गई और देखना मैंने अपनी शक्ल का क्या हाल करा। मस्कारा लगाया तो सारा नीचे आ गया। और गाइस मैं ना बहुत लो फील कर रही हूँ, मतलब बोलने की भी जान नहीं है। देख मैं तैयार होती हूँ और पता नहीं तैयार होने के बाद मुझे ऐसा क्यों जाता है, तैयार होने में थक जाती हूँ। मैं सोचती हूँ शादी वाले दिन क्या हाल होगा मेरा। मैं नॉर्मल रील बनाने के लिए तैयार होने में थक जाती हूँ, शादी में मेकअप करवा के कहूँगी कि अब शादी कल होगी क्योंकि आज मैं थक गई हूँ।
वरना जयमाला के बाद कहूंगी फेरे कर लूंगे क्या करूंगी मैं शादी में। हे गाइस, सो अब मैं जा रही हूँ लाइव इंस्टाग्राम पे एंड इधर विस्की देखियो, विस्की देखते को कौन बुला रहा है, विस्की यार इतना ढीठ है ना, अगर बोलूँ ना ले खा ले विस्की, खाएगा ले विस्की खा ले ले इतना भेजना मैं